हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश माधेसिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारे केमिकल काइनेटिक्स का ये तीसरा पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। बहुत सारा डिमांड था आप लोगों का कि भैया थर्ड पार्ट नहीं आ रहा, थर्ड पार्ट नहीं आ रहा, थर्ड पार्ट नहीं आ रहा। तो लीजिए थर्ड पार्ट भी करा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बचे हुए थे वही हमको बस करना ना, बाकी सब तो हम लोग कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहा है सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब देखिए धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर द रिएक्शन आर टू पी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है 0.0। देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आर से पी का रेट ला लिखो तो क्या होगा, माइनस में डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही होगा ना, क्योंकि ये डी पी बाई डी टी क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे और रिएक्टेंट है तो माइनस डी आर बाई डी टी लिखेंगे उसको। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो बस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो ना, क्या लिखना है, इतना आसान क्वेश्चन क्या होगा यार। माइनस डेल्टा रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोल देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस में डी आर बाई डी टी, माइनस में डी आर कर दो या डेल्टा आर कर दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आर टू माइनस आर वन अपान टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन तो कर दो। आर टू कितना दिया, माइनस को माइनस रहने दो, और आर टू आर टू आर टू कितना दिया 0.02 माइनस 0.03 अपान टी टू माइनस टी वन, 25 मिनट, 25 मिनट डायरेक्ट दिया है तो 25 मिनट जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये माइनस होगा और माइनस में माइनस में माइनस 0.01 अपान 25 तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.01 अपान 25 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 × 10^-2 या अपान 25, यानी इसको 100 × 10^-4 लिखो, 4 × 10^-4 इतना आएगा, ठीक है, पर मिनट, क्या आएगा पर मिनट आएगा, इतना मोलाइल, इतना मतलब कंसंट्रेशन पर मिनट। हमको क्या चाहिए, पूछा है बोथ इन मिनट बोथ इन सेकेंड, सेकेंड में चाहिए 60 से डिवाइड कर दो, 4 × 10^-4 अपन 60 यही होगा ना, 4 × 10^-4 अपन 60 क्योंकि पर मिनट है ना, पर मिनट में एक मिनट में 60 सेकेंड तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, पर मिनट है, पर मिनट मतलब क्या होता है भैया, ये होता है ना 4 × 10^-4 अपन 60 ये है ना, अपन 1 मिनट ये है ना, ये इसको 60 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा लिख लेना। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी तुम्हें, ऐसा नहीं होगा कि मैंने पढ़ाया होगा तो भूल गया होगा, क्योंकि चीज़ें वही हैं और वही करना है हमको बस। ये आ जाओ 4.2 पे, फिर दिया 2a से बन रहा है प्रोडक्ट, तुमने तुरंत लिख दिया -1/2 dA बाई dt, यही तो होता है ना, या इसको जब कंसंट्रेशन मतलब दो टाइम पे दिया तो माइनस टी डेल्टा ए बाई टी कोई दिक्कत, यही तो होगा ना इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखोगे ना इसका -1/2 क्योंकि 2 क्या है इसका स्टोकोमेट्रिक है तो नीचे चला जाता है ना, जितना स्टोकोमेट्रिक होता है नीचे चला जाता है। बस अब सॉल्व कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन ही, -1/2 ये फाइनल कितना है 0.4 है, माइनस इनिशियल कितना 0.5 अपन टाइम 10 मिनट, सॉल्व कर लो -1/2 और माइनस में 0.1 अपन 10 तो 0.1 अपन 20 कोई दिक्कत है क्या, 0.1 अपन 20 से तो हो जाएगा 10^-1 10^-1 अपन 20 लिख दो इसको, 100 × 10^-3 अपन 20 तो हो जाएगा 5 × 10^-3 पर मिनट। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इतनी बार पढ़ाया हूँ कि क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। और पी वाई क्यू और बाकी क्वेश्चन करने के बाद ये तो तुम्हें हलवा लग रहा होगा, बट तुम लोगों ने बार बार बोला और मुझे पता था कि ये छोड़ा हूँ मैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखो 4.3 रेट ऑर्डर पूछ रहा है बाबू, ऑर्डर क्या होता है बाबू, पावर को जोड़ दो 1/2 + 2 5/2 ढाई हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। 4.4 कह रहा है एक्स एक्स टू द वाई, एक्स से वाई में जा रहा है तो रेट इसका क्या है, एक्स से स्क्वायर है, रेट ऐसे लिखते हैं ना, रेट रिएक्टेंट के टर्म में नहीं लिखोगे, रेट हमेशा प्रोडक्ट के टर्म में नहीं लिखोगे, रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है। तो कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि रेट इज इक्वल टू के कंस्टेंट है, एक्स है इसका स्क्वायर है, वही तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, दो पावर है ना सेकेंड ऑर्डर। कह रहा है जब इसको तीन टाइम कर दिया, तुमने रेट आर डैश कर दिया क्या 3x,
स्क्वायर तो कितना हो गया बाबू, साफ साफ दिख रहा है 3 3 या 9x² हो जाएगा, ये ऊपर एक्स स्क्वायर था, एक्स कर जाएगा कितना टाइम, 9 टाइम्स हो जाएगा। मैं तो इसको डाइट कर देता, मैं इसको डाइट कर देता, मुझे लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने देखा सेकेंड ऑर्डर है, एक्स को 3x कर दिया तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x² यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें इतनी सारी क्वेश्चन करा चुका हूँ कि एक एक बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन तो मैं करा दिया हूँ तुम्हें। 4.5 देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कह रहा है कि रेट कांस्टेंट इतना है, 5 ग्राम को 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। अरे बाबू फॉर्मूला लगाओ ना, टीच कर लो क्या होता बताओ, 2.303/k क्या क्या वैल्यू कितना है, 1.15×10^-3 लॉग ए इनिशियल कितना, इनिशियल इनिशियल कितना 5 ग्राम था, फाइनल कितना था 3 ग्राम, बस सॉल्व कर दो। log 5/log 3 का वैल्यू कितना होगा लगभग 1.7, इसको सॉल्व करोगे log 5/3 का मतलब कितना हुआ, log 1.7 हुआ ना, log 1.7, तो log 1.7 का वैल्यू कितना होगा, देखो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 का होता है 0.3, तो 2 का होता है 0.3, 3 में कहाँ चले गए बाबू, 2 का होता है 0.3, हमको चाहिए 1.7 का, नहीं 0.3 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.0.2227 मान लो, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा 2.303/1.15×10^-3 और इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 0.27। इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 2.303/1.15×0.27 ठीक है, लगभग 440 के अराउंड आएगा, लगभग 440 के अराउंड आंसर आएगा, 440 सेकेंड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 442 आ जाए, 445 आ जाए, 444 आ जाए, राउंड अप में करके लिखते हैं ना पास में। ठीक, अब देखो 4.6 में भी देखो क्या लिखा है कि टाइम रिक्वायर टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसे देखो कह रहा है SO2Cl2 को हाफ करने में जितना टाइम लग रहा है कितना है, 60 मिनट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टी हाफ है, क्या है टी हाफ है, टी हाफ दे दिया 60 मिनट, हमको कह रहा है रेट कांस्टेंट, बाबू रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693/t, बस इतना आसान ही क्वेश्चन पूछता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, पता नहीं क्यों फिजिकल में इतना तुम लोग डरते हो, जो जितना मैंने करा दिया उसके बाहर कुछ क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो मुझसे तुम आके मिल लेना, हो जाएगा 1.155×10^-2, ये पर मिनट में आएगा ना, पर मिनट में आएगा, और इसे कर दो सेकेंड में कर दोगे तो 1.925×10^-4 पर सेकेंड। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ देखो एक चीज़ याद रखना, अगर ये मिनट में है तो आंसर मिनट में देना, अगर मिनट में है आंसर मिनट में ही देना, सेकंड में पूछेगा तो सेकंड में देना, ठीक इसका ध्यान रखना। कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, बाबू टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट का ही होता है कि अगर तुमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि कितना डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यही होता है ना। चलो एक चीज़ और तुम्हें याद दिला देता हूँ मैं, जो के इक्विलिब्रियम होता है वो अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगा, के इक्विलिब्रियम ठीक है, बट जो हमारा के होता है, जो हमारा के होता है रेट कांस्टेंट, वो टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ा दिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ भी रहे इंडो रहे एक्जो रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बढ़ेगा, टेम्परेचर तुमने बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस तो डबल हो जाता है, तो ये तुम्हारा एक तरह से रिवीजन हो गया। 4.8 द रेट ऑफ केमिकल एक्शन डबल फॉर इंक्रीज इन 10K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये तुम करो ना, ये तुम करो, जितने एक्टिवेशन एनर्जी वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा अब, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत कराया था, ये तुम्हारे लिए हो गया होमवर्क। ठीक है, होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क, तुम्हें करके ही आना है घर से, ऐसा नहीं है तुम छोड़ दे रहे हो मैं कुछ दे रहा हूँ, तो करना ही करना है। ठीक है, ये देखो तुम्हें एक फॉर्मूला जो बताई गई थी, तुम्हें जो फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो K इज इक्वल टू ए
ई टू द पावर माइनस ई ए अपन आर टी, उसमें जो के अपान ए होता है वही होता है कि जिस वो वही फ्रैक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से तुम्हें सॉल्व करना है। एक बार एक्शन हो जाओ, कलर चेंज करने दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पूछा भी क्या है, तो के अपान ए जो होता है इज इक्वल टू हो जाएगा एक्शन, के अपान ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई ए अपान आर टी। तो यही जो होता है ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यही होता है, ठीक है। यही इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी या तो बराबर होगा या तो इक्वल देन इक्वल होगा किसके, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी के, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन तो तुम्हें भी करना चाहिए ना, सारा मैं ही करा दूंगा तो फिर क्या रहेगा। तो उस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। आ जाओ, क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं इसमें। पहले का ऑर्डर देखो, एनओ स्क्वायर स्क्वायर है ना, ऑर्डर क्या हो गया बाबू, दो हो गया। और तुमको मैंने पहले बोला था दो का क्या होता है, मोल पर लीटर वन माइनस एन पर सेकेंड, यही होता है ना। तो मोल पर लीटर वन माइनस टू पर सेकेंड, मोल पर लीटर माइनस वन पर सेकेंड, मोल माइनस वन लीटर प्लस वन पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, लीटर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो पहले का आंसर तो हो गया ना, ऑर्डर हो गया दो, रेट कांस्टेंट हुआ ये, क्योंकि तुमको एक ही फॉर्मूला मालूम है कि मोल 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 पर लीटर वन माइनस एन पर सेकेंड। एन की जगह जीरो डालो जीरो ऑर्डर के लिए, वन के लिए वन डालो, सेकेंड ऑर्डर के लिए टू डालो, थर्ड ऑर्डर के लिए थ्री, जितना भी तुम्हारे पास एन का वैल्यू ऑर्डर हो एन के वैल्यू में डालो उतना तुम्हारा आ जाएगा। दूसरा भी देख लो, ये भी सेकेंड ऑर्डर है, देखो इसके पावर एक इसके पावर एक, तो ऑर्डर कितना हुआ, दो हुआ, इसका तो सेम हो जाएगा। इसका ऑर्डर थ्री बाई टू है, इसका निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखो चौथा, ये तो वन ऑर्डर है, वन ऑर्डर का क्या होता है, पर सेकेंड होता है या पर मिनट होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, कितने बता चुका हूँ। तीसरे का देख लो, तीसरे का बताता हूँ, देखो क्या लिखोगे, मोल यही समझाता हूँ, देखो वन माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि क्या है थ्री बाई टू है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू माइनस थ्री यानी कि माइनस वन बाई टू पर सेकेंड, क्या हो जाएगा बताओ, दो हो जाएगा। पहले देखो लीटर पे माइनस वन बाई टू, तो हो जाएगा लीटर वन बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा मोल पे माइनस वन बाई टू, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, समझ गया ना। ये एन का वैल्यू थ्री रखोगे तो इतना आएगा। बस हमको बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना, ये याद रखो, ये चीज़ याद रखो, मोल पर लीटर पावर वन माइनस वन पर सेकेंड, ये तो मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ, इसी से सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे, जो भी पूछेगा पुट कर देना आंसर आ जाएगा। 4.3 देखो, फिर कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में NH3 का डिकम्पोजिशन, NH3 का डिकम्पोजिशन का पहले रिएक्शन लिख लो, NH3 टूट जाएगा इसमें N2 में प्लस 2NH3 में, मालूम है हेबर्स प्रोसेस का उल्टा है ना ये। जीरो ऑर्डर है तो क्या लिखोगे, जीरो ऑर्डर में तो क्या लिखो, माइनस में 1NH3/dt इक्वल टू 1N2/dt, सीधे लिखो इक्वल टू 1/3S2 होता है ना, N2 एक्शन लिख दो, ये होता है 3S2, 1/3 dS2/dt। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा नहीं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा नहीं, तो तुम्हें दिखते ही मालूम हो गया कि N2 कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करता ही नहीं है। तो K का वैल्यू दिया है 2.5×10⁻⁴, यही है ना। तो N2/dt क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, N2/dt तो इतना ही हो जाएगा, 2.5×10⁻⁴। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। रेट इक्वल टू क्या होता है, के ए नॉट होता है ना जीरो ऑर्डर में, तो रेट हमारा के बराबर हो जाता है, तो रेट हमारा किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 2.5×10⁻⁴, तो उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, किसका रेट, N2/dt का, क्योंकि N2 हमारा सिंगल है ना, N2 हमारा सिंगल है, कोई इसमें स्टोकेमेट्री वगैरह नहीं है, तो उसके बराबर हो गया। अब देखो कह रहा है S2 का बता दो बाबू, S2 का देखो, N2 का कितना आया 2.5×10⁻⁴, तो N2 S2 का जब लिखोगे, जब S2 का लिखोगे तो D S2/dt, ये 3 वाला तुम्हारा इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 N2/dt,
और तुमको मालूम है 3 N2 का पहले से मालूम हो गया, 2.5 × 10⁻⁴ 7.5 × 10⁻⁴ आई होप चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। बस कंसेप्ट इसमें यह था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर वाला डिपेंड करता ही नहीं है, तो रेट इजकल टू के ए पे पावर जीरो हो जाएगा, तो रेट इजकल टू रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा और DS2/DT 3 N2/DT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको, अब तुम क्वेश्चन नंबर 4.6 देखो, ये हो गया ना जीरो ऑर्डर का, रेट इजकल टू के हो जाएगा। अब देखो कह रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, डबल करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, रिड्यूस करोगे तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। बस क्या सॉल्व करना है यार इसमें बार बार। अरे मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ दो गुना से बढ़ेगी, मतलब उसका पावर ही 2 हो गया, तो तुम 2 गुना उसको करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, तुम 3 गुना करोगे तो 9 गुना हो जाएगा, 4 गुना करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। वही पूछा इसमें तो सॉल्व कर दिया हमने, आंसर आ गया। अब देखो इसमें तुम्हें मैंने एक चीज़ तुम्हें समझाई थी कि तुम कैसे एक को कंस्टेंट करके दूसरे का कैसे निकाल सकते हो, यही बताया था ना तुम्हें। तो नहीं नहीं ये तो एवरेज रेट पूछ रहा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर एवरेज रेट, तो ठीक है एवरेज रेट देख लो। एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है यार, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करोगे, DA/DT कर दो, तो इन दोनों के बीच में निकाल लो क्या करना है। देखो 0.0.31 − 0.17 अपन टाइम का डिफरेंस कितना है, अरे 0.31 0.17 में टाइम के डिफरेंस कितना है बाबू, 60 − 30 है कितना, 60 − 30 30, 0.14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 140 कर दो, 140 तो 4.6 × 10⁻³ − 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों लिखा बाबू, क्योंकि फर्स्ट यहाँ देखो क्या लिखा है, तुमको पहले ही मोल पर लीटर में दिया हुआ है और तुमने टाइम निकाल दिया, सेकंड में टाइम दिया हुआ है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट तुमने यहाँ से लिख दिया, तो हमारा ये हो गया। उसके अंदर से पूछ रहा है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो हो गया, अब पूछ रहा है रेट कॉन्स्टेंट, क्या पूछ रहा है रेट कांस्टेंट। मैंने तुम्हें बोला था रेट कांस्टेंट तुमसे जब भी पूछेगा एक चीज़ ध्यान रखना, 55.5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। वो सारे केसेस तुम जब अप्लाई करोगे NCERT में जो क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं तुम्हें NCERT के मेथड से कराता हूँ, अगर तुमको NCERT से मेथड से करना हो तो कैसे करोगे, ये कर लोगे तो मतलब बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होंगी, तो ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो 30 सेकेंड पे देख लो, 30 सेकेंड पे जब K1 लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, 2.303 अपन कितना टाइम है, 30 है, log 0.55 अपन 0.31 यही है ना, अरे इनिशियल इतना था फाइनल इतना बचा, तो 0.55 0.31, ठीक। K2 लिखोगे तो क्या आएगा, 2.K2 कितना है, 60 पे लिखो, 2.303 अपन 60 log इनिशियल था 0.31 इनिशियल सॉरी 0.51 0.55 बचा कितना 0.17 और टी इजकल टू 90 पे लिखो, K3 = 2.303/90 log 0.55/0.085। तो इन तीनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है मैं बता देता हूँ, 0.55/0.3 0.5 − 0.3 log 5 − log 3 कम हो जाएगा 0.5 2 आ जाएगा ना 1.91। रुको मैं देख लेता हूँ, इसको लेंदी पड़ेगा अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो, रुक जाओ कितना क्वेश्चन नंबर है 4.8 ना, 4.8 का आंसर देखो ये आ गया 1.91 × 10⁻², ये आ गया 1.91 × 10⁻², 2.07 × 10⁻², पर सेकेंड। के का एवरेज चाहिए हमको सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, तीनों को जोड़ के एवरेज निकाल दो, K1 + K2 + K3 / 3। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1.98 × 10⁻²⁪ पर सेकेंड आएगा। तो या तो अगर तुम्हें निकालना था
तुम दो से ही निकाल सकते थे 55.5 वाला लगा के, जो एनसीईआरटी में और जो मैंने तुम्हें हर जगह सिखाया था, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक एनसीईआरटी के मेथड से चलना है तो ये मेथड होता है, और ये अगर तुम्हें आता है तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो रेट कांस्टेंट पूछा था सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, हमने के वन निकाला, के टू निकाला, के थ्री निकाला, तीनों को एवरेज निकाल दिया, रेट कांस्टेंट निकाल गया हमको। देखो इसको, देखो कैसे उड़ाता हूँ मैं। रिएक्शन इज आर इज इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर है ए के साथ, बी के साथ सेकेंड ऑर्डर, यही होगा ना, बी के साथ सेकेंड ऑर्डर, डिफरेंशियल रेट लिख दिया। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी को तुमने क्या कर दिया, 3b कर दिया, बाबू 3b, बी का स्क्वायर पहले था, बी का स्क्वायर कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। हाउ इज द रेट अफेक्टेड बिन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए और बी, है डबल ए और बी दोनों को डबल कर रहे हो, ए को कर दिया तुमने 2a, बी को तुमने कर दिया 2b का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स पहले, ये 2 हो गया और ये 4 टाइम, यानी कि 8 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये इन क्वेश्चन पे अगर मैं ज़्यादा टाइम दूँ तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। ये देखो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि दो मतलब एक को फिक्स करके दूसरा निकाल लो। देखो फिक्स करने जब मैं गया यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो मैंने देखा कि ए को मैंने जब फिक्स किया तो बी हमारा तीन, बी हमारा क्या हो रहा है, 0.3 से 0.1 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0.3 से 0.1, यानी कि बी को जब हम लोग, जब हम लोग बी को 1/3 कर रहे हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, तो बी को जब हमने 1/3 किया, ये तो फिक्स हो गया ना 0.2 0.2, तो ये देखो क्या हो रहा है, 5.07 से 5.07, यानी कि बी को हमने 1/3 किया, बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि रेट में रेट इक्वल टू के ए और बी जब लिखोगे बी पे पावर 0 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ए का देखो, अब इसको फिक्स करना था, अब मैंने सोचा कि भैया मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, बी को फिक्स करके ए में देखता हूँ, तो मुझे दिखा बी को फिक्स करने का कोई चांस ही नहीं है, कहीं पे बी बराबर ही नहीं है, जब बी बराबर ही नहीं तो कैसे उसको मैं कांस्टेंट मान के इसमें चेंज चेक अपना चेक करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला मेथड था, ए को कांस्टेंट मान के डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ, ये हमारा हो जाएगा गलत। यहाँ पर हमको अपने बेसिक ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिक मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, रुक जाओ, ये तुम कर लेना होमवर्क पे, या भी बता देता हूँ इसको तो और आसान है। चलो बेसिक मेथड क्या कहता है कि पहले रेट रेट निकालो पहले का, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो ए का कितना दिया है, 5.07 × 10⁻⁵ इजिक्वल टू क्या होगा, के ए 0.2 × x 0.3 × y, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे देखो ना रेट इजिक्वल टू होता है ना, रेट इजिक्वल टू क्या होता है, देखो रेट इजिक्वल टू होता है ना k(a⁻x, b⁻y), तो वही मैं लिख रहा हूँ। अब दूसरा क्या होगा, 5.07 × 10⁻⁵ इजिक्वल टू k(0.2x) और कितना है, 0.1x का y। तीसरा देखो, 1.43 × 10⁻⁴ इजिक्वल टू के, ए का वैल्यू कितना है, 0.4 × x, ये कितना है, 0.5 × y, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा होता है ट्रेडिशनल मेथड। अगर अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, इसको हमने फिक्स कर दिया होता, मान लो 0.30 और 0.30 दिया होता, इसको हमने फिक्स कर दिया, तो हमने देखा ए हमारा 2 गुना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो बी हमने देखा क्या, बी में चेंज कर लेते कि, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है इससे देख लेते, बट यहाँ पे सब कुछ अलग था बी में, तो अब बी को कंस्टेंट करना पॉसिबल नहीं था, हमने बस ए को कंस्टेंट करके बी के, बी से देख लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बी पे पावर 0 होगा, ए पे निकालना क्या होगा, ए पे निकालना क्या होगा, तो हमें दिख रहा है कि ये 0.2 है, 0.2x है, तो यहाँ से अगर कट करोगे तो x हमारा खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बी दूसरे और तीसरे को टैकल करते हैं। दूसरे तीसरे को टैकल करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉरी डिवाइड करेंगे ना, रुक जाओ लिख देता हूँ मैं, 1.43 × 10⁻⁴ और 1.507 × 10⁻⁵ इजकल टू के 0.4x 0.05y और के 0.2x 0.3y। ये बताओ ये तो खत्म है ना हमारा, 0 y वाला खत्म है ना, क्योंकि b पे पावर 0 होती है तो खत्म हो गया, तो k से k खत्म हो गया,
ये दो बार में कटेगा तो 2 to the power x हो जाएगा सीधे डाइट। अरे यार इसको ऐसे मान सकते हो ना, तुम्हें मैथ भी मुझे सिखाना पड़ता है, बताओ कोई टीचर तो नहीं सिखाता है मैथ, चलो मैं सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 0.4 upon 0.2 power x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 to the power x हो जाएगा, 2 to the power x है, इसको भी 2 to the power में चेंज करो, ये हो जाएगा कितनी बार में कटेगा, ये 14 मान लो इसको, तो 10 power -5 हो जाएगा, 10 power कट जाएगा, 2.9 यानी कि 2.9 = 2 the power x आ गया। अब कहोगे भैया इसको कैसे सॉल्व करें, तो बाबू कुछ नहीं करना है, लॉग का अगर तुम्हें पता है लॉग क्या होता है तुम सॉल्व कर ले जाओ। देखो लॉग 2.9 = तुम लिख सकते हो एम पे पावर एन का लॉग क्या होता है, एन लॉग एम, तो क्या होगा एक्स लॉग 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया बताओ, लॉग 2.9 upon log 2। लॉग 2.9 को 3 मान लो, 3 का होता है 0.4 के राउंड, और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3 के राउंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.3 और 0.4। ठीक है, तो चलो देखते हैं यार, बच्चे शोर कर रहे हैं यार, दिमाग खराब कर देते हैं सुबह सुबह। 0.3 0.4 यानी कि लगभग मान के चलो कि 1.1 4 है ना, 3 3 1 जा 1.33 1.33 1.5 के राउंड आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना 1.5 के राउंड आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा इसके वैल्यू को करेक्ट अगर लोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो 1.5। तो तुमने देखा होगा कि अगर हम लोगों ने डायरेक्ट उसको उस मेथड से किया होता अपने मेथड से, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांसेस थे और हम लोग कर नहीं पाते इसको, मतलब वो डायरेक्ट यहाँ से आता नहीं क्योंकि कांस्टेंट नहीं था। अब देखो इस वाले क्वेश्चन देखो 4.1 को, अभी देखो इसको कैसे मैं तुरंत खत्म कर दे रहा हूँ, तुम खुद देखो एक बार। देखो इसको मैंने फिक्स किया, फिक्स हुआ तो बी को देखा मैंने, बी को जब दो गुना कर रहे हैं, जब बी को हम लोग दो गुना कर रहे हैं तो ये 4 गुना हो रहा है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है 28.8 × 10^-4 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। ठीक है, जो 2.8 था 28 मैंने कर दिया, तो मैंने देखा मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, इसको मैंने फिक्स किया, इसको दो गुना किया तो ये 2 गुना, यानी कि इसको 2 गुना कर रहा हूँ तो ये 4 गुना बढ़ रहा है, यानी कि बी का स्क्वायर है, क्या है बी का स्क्वायर है। अब देखो इसमें कुछ फिक्स करते हैं, ये देखो ये दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों को फिक्स किया, मैंने ए को देखा, ए हमारा 4 गुना बढ़ा, 0.1 से 0.4 4 गुना बढ़ा, और ये देखा ये भी 4 गुना बढ़ गया, ये हमने देखा ये भी 4 गुना बढ़ गया ना, 4 गुना बढ़ गया ना, अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 24 × 10^-3 4 गुना, तो तुमने देखा ए को हमने 4 गुना किया, ए को हमने 4 गुना किया, तो रेट भी हमारा 4 गुना बढ़ा, यानी ए पे पावर 1 होगा, तो रेट इज कर लो क्या हो जाए के ए बी का स्क्वायर, ये इसका रेट होगा। तो जहां पे कांस्टेंट करके निकाल सकते हो वहां से इसको निकाल लो, और जहां पे देख रहे हो कि मतलब कांस्टेंट करने लायक ही नहीं है, कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तीनों अलग अलग टर्म दे दिया, तो वहां पे तुम्हें तो बेसिक ये वाला तुम्हें निकालना पड़ेगा जो मैंने सिखाया तुमको, ये वाला। ठीक है, ये चीजें ऐसे निकालनी पड़ेंगी तुमको। 4.12 तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम खुद से करो। ठीक है, 4.13 बताता हूँ मैं, 4.12 में भी वही करना है, पुट करना है, रेट ऑपरेशन निकालना है। 4.13 देखो हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो टी हाफ यार क्या निकालू मैं, टी हाफ इज कर लूँ क्या होता है, 0.693 upon k कितना दिया, 200 दिया, कितना होगा 0.693 upon k 200 हो जाएगा, 3.5 × 10^-3 सेकेंड हो जाएगा, बाकी दोनों कर लेना, अपॉन 2 कर देना, अपॉन 4 कर देना, आंसर आ जाएगा। हाफ लाइफ डी के ऑफ 14 कार्बन दिया, देखो टी आप कितना दिया, 5730 ईयर। आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैज ओनली 80% ऑफ द 80% लिविंग ट्री, यानी कि 80% ही रिमेनिंग है। पहले 100 था इनिशियल T0 पे, अभी T8T पे कितना 80 है, इनिशियल 100 रुपये था, अभी 80 रुपये ही बचे हैं। तो वही पूछ रहा है, अब वैल्यू पुट कर दो, एज बताना है, टी का वैल्यू क्या है, 2.303। देखो पहली चीज़ याद रखना, कोई भी मतलब नेचुरल डीके वगैरह जो भी था वो सारा हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था, तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा 2.303 upon k। के का वैल्यू बताओ बाबू, तो के का वैल्यू क्या होगा, 0.693 upon t half, यानी 0.693 upon t half का वैल्यू कितना है, 5730। पुट करो 0.693 ऊपर चला जाएगा 5730, लॉग आर नॉट कितना 80 था,
100 था, अब बचा कितना 80। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा ये। हाँ बता देता हूँ मैं, ये देखो log 5 by log 4, तो log 5 माइनस log 4, log 5 का वैल्यू लगभग कितना होता है, 0.6, 0.6 के अराउंड होगा, और 0.7 के अराउंड होगा, और ये जीरो log 4 का 0.6 के अराउंड लगभग 0.1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट तुम्हें, बाकी चीज़ तो मैंने समझा दिया ना, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब होता है सॉल्व करना, अगर तुमने पूरे क्वेश्चन को कर लिया तुम्हारी आंसर पूरी पूरी चीज़ फिर से रिवाइज हो जाएगी। 4.14 का आंसर कितना दिया हुआ है, 1845 ईयर आएगा। ठीक है, आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यार थोड़ा सा गाँव में ना थोड़ा सा यार दिक्कत होती है, एक आध दो दिन की और बात है, मैं फिर कॉलेज चला जाऊँगा तो ये शोर शराबा नहीं होगा ना फिर वहाँ पर हॉस्टल में। अब इनको मैं क्या ही बोलूँ यार, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 60 सेकेंड है, और रेट क्वेश्चन दिया 60 सेकेंड, तो 1/16 कब होगा, तो क्या है यार कोई क्वेश्चन है क्या ये बताओ तुम। 30 कर लो क्या बताओ, 2.303/k का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, लॉग इनिशियल 1 था, फाइनल कितना है 1/16 है, तो ये चला जाएगा 16 ऊपर, तो हो जाएगा log 16। log 16 का मतलब कितना होता है, log 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 2 log 4 होता है, 2 into, या इसको ऐसे लिखो रुक जाओ, मान लो 4 का वैल्यू कहो भैया नहीं याद है, नहीं याद है ना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिखो इसको क्या, log 2 to the power 4, 2 × 4 × 8 × 16, तो क्या होगा 4 log 2, तो बाबू log 2 का याद है ना, 4 × 0.3, बाबू 1.2 हो गया, पूरा हो गया 1.2, यानी कि 2.3/60 × 1.2 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा हो जाएगा 12, 12 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 23/5 × 10⁻¹, लगभग हो जाएगा मान लो 4.0 में, यानी कि 4.6 × 10⁻²। समझ गया ना, कुछ है नहीं बस कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिक्स है। अब देखो 4.19 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या वो भी हलवाई है, देखो तुम्हें करना है होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, चीज़ें क्या है, 30% डिकम्पोज हो गया, 30% डिकम्पोज हो गया मतलब ए नॉट हमारा था 100, अभी ए कितना हुआ 100 में से 30 डिकम्पोज हो गया कितना हो गया 70, यानी कि log 100/70 हुआ यहाँ पे, बस टी आप तो निकाल लेना यहाँ से, अरे पहले लॉग पहले निकालो के यहाँ से टी आप, देखो रिवर्स मेथड से चलते हैं यार, रिवर्स मेथड की मैं एक वीडियो तुम लोग को बना के दूंगा, रिवर्स मेथड होता क्या है, हमसे पूछा टी आर, हमने देखा टी आर का फॉर्मूला क्या है 0.693/k, अब कहो भैया के कहाँ है, तो के निकालोगे यहाँ से, के कहाँ निकालोगे 2.303/t log a0/a, यहाँ से निकाल लिया तुमने के log a0/a की जगह log 100/70, और बस के यहाँ से निकला, के को यहाँ पुट कर दिया, इसको बोलते रिवर्स मेथड, मैं तुम लोग को समझाऊंगा रिवर्स मेथड कैसे यूज करना है, तो ये चीज़ें आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 4.21 देखो प्रेशर वाला क्वेश्चन आया, तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, फॉर्मूला लगा दो क्या 2.303/t log p0/2p0-pt, यही बताया था ना मैंने, या तो बेसिक से लगाओ दो पेज का कैलकुलेशन करो या तो डायरेक्ट लगाओ, तो लिखो अपना क्वेश्चन 2.303, टाइम कितना बताओ 100 log p0 की इनिशियल p0 कितना बताओ 0.5/2 × 0.5 − 0.6, सॉल्व कर लो 2.303/100 log 0.5/1 − 0.6, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख दूँ ना, तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा 0.5/0.4 होगा, 5 − 4, देखो log 5 − 4 अभी ऊपर भी एक आया था यहाँ पे, क्या गया देखो log 5 − 4 यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी log 5 − 4, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बता देता हूँ 2.231 × 10⁻³ पर सेकेंड आया था इसका आंसर। ठीक, आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अब बचा हुआ हमारे पास 4-5 क्वेश्चन और बचे होंगे, इसको भी कर लेते हैं निपटा देते हैं, नहीं तो फिर बाद में सॉल्यूशन भी करना है और थर्मो भी करना है ना, थर्मो केमिस्ट्री को अलग से कराऊंगा, थर्मो केमिस्ट्री जो है उसको अलग से मैं एक अलग सेशन लूँगा, क्योंकि उसमें उसके सारे क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगा, उसमें बहुत दिक्कत होती है लड़कों को। देखो ये कोई क्वेश्चन है क्या, देखो ए से प्रोडक्ट बना के दे दिया, ए कह रहा है 100 सेकंड के बाद कितना बचेगा, कह रहा है 100 सेकंड के बाद ए कितना बचेगा, भाई वो फॉर्मूला लगाओ यार, 2.303 टाइम दे दिया 100 log
पहले 1 मोल था, अब ए पूछ रहा कितना बचा है, यही ए निकालना है, बस सॉल्व कर दो। के का वैल्यू कितना दिया बताओ, 2 × 10⁻², दिया के का वैल्यू, ना सॉल्व कर लो तो हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा देखो लॉग 1/a है ना, ऊपर करो तो क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लॉग है क्या हो जाएगा बताओ, 2 × 10⁻²·100/2.303, ये खत्म, ये खत्म। एंटी लॉग ले लो, माइनस लॉग है ना, एंटी लॉग ले लो, माइनस लॉग ए का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग ही तो होता है, ए का वैल्यू हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग 2/2.303, ठीक है, माइनस में, तो माइनस में 2/2.303 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 है ना, तो लगभग 1/1.25 के अराउंड आएगा, 1.15 के अराउंड आएगा अपान में, 1/1.15 ऊपर ले जाओगे तो 1.15 × 10⁻², नहीं उतना ही रहेगा, माइनस का माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, 10 में से डिवाइड करोगे एंटी लॉग। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट तुम्हें लिख रहा हूँ, इतने हार्ड क्वेश्चन मतलब इतने लेवल के, 0.135 mol/L। घबराना मत तुम्हें, मैंने ऑलरेडी एंटी लॉग निकालना सिखा दिया था, 5 है 10⁻⁵ हो जाएगा, 6 है 10⁻⁶ हो जाएगा, 15.04 है, 15 + 0.4 कर दो, ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है वो 10⁻³ में चला जाता है, 0.4 किसका होगा, 2 पॉइंट कुछ का होगा, log 2 का वैल्यू 0.3, तो log 2.1 का वैल्यू 0.4। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एंटी लॉग निकालना सिखा दिया है, तो अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन है तो परेशान मत होना, यही NCERT है, JEE मेंस, JEE एडवांस सबके क्वेश्चन बनाती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें तुम्हें एंटी लॉग, तो बेसिक एंटी लॉग है वो तुम्हें आता है और उतना ही आएगा, और 99% चांस होता है कि वहां पे वैल्यू दी होती है, ठीक है ना, क्योंकि एंटी लॉग लॉग हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वैल्यू हमको वहां पे दी होती है। चलो 4.26 देखो, के का वैल्यू दिया है, देखो यार मैंने तुम्हें क्या बोला था, जैसे तुम्हें के का वैल्यू कहीं पे दिया हुआ है तो कह रहा है ई ए का वैल्यू बता दो, ई ए का वैल्यू बता दो, तो ये बताओ के का वैल्यू क्या होता है, ए ए ए e^-(e)^(RT), यही होता है ना, यही होता है ना, तो मैं दिख रहा होगा कि e^RT माइनस में इसको तो क्या दिया, माइनस में 28,000/t, यही तो दिया है, यही तो दिया ना, 28,000, K/T दिया है, K/T, कोई दिक्कत, अरे बाबू टी से हमने टी काट दिया, 28,000 केल्विन, 28,000 केल्विन दिया है वो, ठीक है, e^T e^RT, तो 28,000 K दिया है, केल्विन नहीं है ना, 28,000 कुछ, 28,000 K दिया है, तो e^RT जब करोगे, e^RT करोगे तो 28,000/T हो जाएगा, 28,000/T हो जाएगा, टी से टी खत्म हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या बचेगा, 28,000, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, (r) का वैल्यू 8.314 कर दो, सॉल्व कर दो, 28 8 8 64 और 8 2 16, 16 6 24, 16 6 22 22 23 23 23 23, और 3 है ना, 23 3 है ना, तो 28 × 8 लगभग 3 अंक में ही आ जाएगा, 230 230 230 और × 3 230 किलो जूल पर मोल, इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आंसर आ रहा है, 230 के अराउंड आएगा आंसर, ठीक है ना, तो कुछ होता नहीं, देखो जितना भी देखो माइनस ये अपन आर्टी का वैल्यू दिया है उसको उन्हें पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक। ये एक बस इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है, ये जो ए है ना, ये हमारा ए का वैल्यू दिया है, 4.5 किसका है, ए का वैल्यू है, बस इक्वेशन दिया है, अभी देखो इसका यूज आएगा 4.28 में, देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया बताओ तो 60 किलो जूल, 60 × 10⁻³, यानी कि 6 × 10⁻४, कोई दिक्कत नहीं, लॉग K2/K1 K2 कितना है, 1.5 × 10⁻⁴, देखो एट वाट टेम्परेचर वुड के विल भी इतना, इनिशियल कितना है बताओ, 4.5 × 10⁻³,
इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴ ये अपन आर टी होता है ना 2.303 × r, r कितना है 8.314। और टी टू माइनस टी वन अपन टी वन माइनस टी टू, टी टू माइनस टी वन कितना होगा टी टू माइनस टी वन, टी वन कितना हुआ बताओ, टी वन बताओ यार, 10 °C मतलब कितना हुआ 283 केल्विन हुआ ना, 273 होता है जीरो पे, तो 10 पे 283, टी टू माइनस 283 अपन 283 माइनस टी टू, यही इसका होता है। अरे 1/T1 − 1/T2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, मैं बताता हूँ इसका आंसर। अब तो बस कैलकुलेशन हो ना, वीडियो को लेंदी करने की क्या ज़रूरत है, बस कैलकुलेशन है, मैं इसका आंसर बताता हूँ तुम्हें। ये 297 केल्विन आएगा, इसको करना पड़ेगा 24 °C, क्योंकि 10 °C में दिया है तो आंसर भी सेल्सियस में लिखना है, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें क्या थी, मैं तुम्हें प्लॉट बताता जा रहा हूँ, मतलब कैसे सॉल्व करना है, जहाँ पे सॉल्व करने लायक है, जहाँ मुझे लग रहा है तुम नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी, वहाँ मैं कर दे रहा हूँ। अब बस कैलकुलेशन करने के लिए तुम मुझसे मत करवाओ। इसका देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 15 × 10³, ये 4.5 हो जाएगा, उसको काट दो 10³ से 10³, बस उसको लॉग निकाल लो डिवाइड करके, 4.29। देखो आ जाओ मुन्ना रिवर्स, रिवर्स में आओ, कह रहा है ईए पहले बताओ, तो ईए बाबू कैसे बताओगे, ईए का फॉर्मूला लिखो जरा, ईए का फॉर्मूला लिखो ना, लॉग K2/K1 ईए अपन 2.303 r 1/T1 − 1/T2, यही होता है ईए का फॉर्मूला। इसके लिए तुमको पहले K2/K1 निकालना पड़ेगा, और तुम्हें दिख रहा है कि टाइम दिया है 10% कम्प्लीशन का, तो जो जो दिया है वो लिखते जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तुम्हारे अभी तक जितना कुछ पढ़े हो ना सब कुछ इसमें शामिल होगा। देखो कैसे, पहले निकालो T1, कोई दिक्कत है, 2.303 / K लॉग कितना कंप्लीट हुआ 10%, यानी इनिशियल था 100, 10% कंप्लीट हुआ कितना बचा 90, लॉग a अपन a नॉट अपन a लिखते हैं, जहाँ पे a नॉट हमारा इनिशियल होता है और ये हमारा बचा हुआ होता है, कितना बचा हुआ है रिमेनिंग है, तो 10% डिकम्पोज होगा तो 90 बचेगा। T2 निकालो, 2.303 / K लॉग हो जाएगा तुम्हारा K1 होगा ना, ये K1 K2, तो लॉग 100/75 हो जाएगा, 25% डिकम्पोजिशन होता है 75, ठीक है। तो कह रहा दोनों का टाइम इक्वल है, इन दोनों टाइम को इक्वल कर दो, इक्वल कर दोगे 2.303 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 1/K1 लॉग 10 − 9 का वैल्यू कितना होगा, लॉग 10 का 1 होता है, लॉग 9 का 0.9 के अराउंड होता है, 0.1 इसका बचेगा, लॉग 100/75 यानी कि लॉग 4/3, लॉग 4 का वैल्यू 0.06 होता है, लॉग 3 का वैल्यू लगभग 0.5 के अराउंड होता है, तो 0.2, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 0.1, ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.28 हो जाएगा। K1/K2 का वैल्यू लिखा हूँ, ये K1/K2 का वैल्यू है, तो K2/K1 क्या हो जाएगा बताओ, तो 0.28/0.1 तो लगभग 0.28/0.1 लगभग मान के चलना उतना ही आएगा जितना दिया है, यानी कि रुक जाओ इसे, टू पॉइंट एट के राउंड आएगा, लिख दो। अच्छा क्वेश्चन है यार, वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। देखो यह आ गया 2.8, लॉग K2/K1 आ गया 2.8, यहाँ डायरेक्ट लिखो 2.8 ea/2.303 आर का वैल्यू रखो 8.314 1/T1 − 1 कितना है 318 है ना, 308 है, यहाँ देखो 308 है, 308 है 298, ये 318 पूछ रहा है, ठीक है,
तो पहले के तो कांस्टेंट होता है, के का वैल्यू पहले निकाल लो, के का वैल्यू पहले एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकालो पहले। तो 308 माइनस 298 अपन 308 गुणे 298, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू मैं बताता हूँ, 76.64 किलो जूल पर मोल आएगी, ठीक है। और यहाँ से तुमको पूछेगा, तुमसे पूछेगा के का वैल्यू पूछेगा ना, के का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो के वैल्यू के लिए हम फार्मूला तुम्हें मालूम है, के इज इक्वल टू होता है ए ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी। इसको तुम लिख सकते हो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपन 2.303 आर टी। ऑलरेडी बता चुका हूँ सॉरी, ई ए का वैल्यू तुम्हें पता ही हो गया, अपने वैल्यू को पुट करो, डाटा को आंसर ला दो, बस कुछ है नहीं, ठीक है। वैल्यू को पुट करना है, डाटा लाना है हो सकता है तुम्हें लास्ट में एंटी लॉग लेना पड़े, एंटी लॉग तुम्हें सिखा दिया हूँ कैसे लेते हैं, तुम ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.3 कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स क्वाड्रपल्स क्वाड्रपल्स, यानी कि के वन अगर के है, के टू क्या हो गया, फोर के हो गया, मतलब लॉग क्या होता है, के टू अपन के वन, फोर के अपन के टू पॉइंट एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2.303 इंटू 8.314। मैं डायरेक्ट तुम्हें बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि एन सी आर टी में जैसे जैसे तुम लास्ट में जाते जाओगे तो वो क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से पूछता है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आए सब एक्टिवेशन एनर्जी वाले आए, ये क्वेश्चन भी एक्टिवेशन एनर्जी का ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो कि टेम्परेचर को जब 293 से 313 किया तो चार टाइम्स हो गया, तो बस सॉल्व कर दो। हाँ टी टू ये करना पड़ेगा, 313 माइनस 293 अपन 313 गुड़े 293, सॉल्व कर लेना इसको, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से आ जाएगी। आंसर मैं लिखता हूँ इसका डायरेक्ट 4.30 का 52.86 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब ये हमारा हो गया केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म। अभी हमारे पास बचा हुआ है क्या क्या बताता हूँ, जेई मेंस का, रोटेशनल का थर्ड पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन का बचा हुआ है और थर्मो बचा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन आज हो सकता है कंप्लीट हो जाए रात तक तुम्हारा, नेट की प्रॉब्लम होती है ना, नेट नहीं चलता है और नेट 2 GB मिलता है ख़त्म हो जाता है अपलोड करने में, तो नेट की ही प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं अभी ये शूट हो गया ना, इसको एडिट करके इसको अपलोड कर रहा हूँ, इसको करना, तब तक सॉल्यूशन का पहला पार्ट कर दूंगा और शाम को दूसरा पार्ट, और कल पूरा थर्मो और कंप्लीट करके अपना 2-3 दिन का रेस्ट लूंगा, फिर अपना फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, थैंक यू।